हमारे साथ हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर मौजूद हैं, रैली स्थल के ठीक बाहर वो मौजूद हैं। गुलशन, क्या कुछ माहौल है इस वक्त? देखिए बिल्कुल, अभी भी कहीं ना कहीं युवाओं में उत्साह है क्योंकि युवा हुंकार रैली इसका नाम दिया गया था जी। और वही युवा यहाँ पर मौजूद है और हजारों की संख्या में जो है बाइक पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। ऐसा नहीं है कि ये 8 बजे का समय था जिस समय युवा जो है बाइकों से आते हुए दिखाई दे रहे थे और लगातार अभी भी जो है आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इससे पहले तमाम बीजेपी के मंत्री, विधायक और सांसद वो मंच पर पहुंच चुके थे, बस इंतजार था। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का था और साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का जी। तो अब दोनों जो है आ चुके हैं जी। हालांकि पहला हेलीकॉप्टर जो है लगभग 12 बजे आया था, तो उस समय जो वहां पर लोग आए हुए थे रैली में उनमें एक नया जोश आ गया था कि अब जो है अमित शाह या मुख्यमंत्री आ गए हैं जी। लेकिन फिर उसके बाद दूसरा हेलीकॉप्टर आया और अब तीसरा हेलीकॉप्टर आ गया है जी। ऐसे में 3 हेलीकॉप्टर जो है इस रैली स्थल पर उतरे हैं, क्योंकि 2 हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतरे हैं तो जबकि तीसरा हेलीकॉप्टर बिल्कुल रैली स्थल से जहाँ ये बताए की 1 लाख बाइकर्स का दावा किया जा रहा था, क्या 1 लाख के आसपास बाइकर्स इकट्ठा हो पाए हैं? क्या वो दावा सही साबित हो रहा है? देखिए बिल्कुल, 1 लाख युवाओं का आने का यहाँ पर न्योता था कि जैसा खुद बीजेपी भी कह रही थी कि 1 लाख लोग आएंगे जी। लेकिन अगर सीटिंग अरेंजमेंट की बात की जाए तो सीटिंग अरेंजमेंट भी 1 लाख लोगों का नहीं किया गया था जी। टोटल 28 ब्लॉक बनाए गए थे, लगभग एक ब्लॉक में 500 के लगभग कुर्सियां थी, तो लगभग बताया 30 से 40 हजार कुर्सियां जो है अंदर बताई गई है कि 30 से 40 हजार कुर्सियां लगी हुई हैं। तो ऐसे में अगर ज्यादा भी अगर हम कहेंगे तो 40-50 हजार लोग जरूर हम कह सकते हैं कि इतने लोग आए होंगे, क्योंकि हर विधानसभा से टारगेट दिया गया था कि 1 विधानसभा से 1000 बाइक जो है हर विधायक को या बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता है, जिले का अध्यक्ष है, सभी को जो है लानी है। तो अगर 1000 बाइकों की बात की जाए तो टोटल 90 विधानसभा हरियाणा में है, तो 90 हजार बाइक बनती हैं। लेकिन हमने जो भी विधायक या मंत्री देखा, 100 बाइक तो जरूर उसके साथ थी, 100 या 150 बाइक थी, लेकिन कुछ विधायक जरूर ज़्यादा की संख्या में भी दिखे थे। अगर टोटल अनुमान की बात की जाए तो 3-4 से 5 हजार बाइक जो है यहाँ पर शुरुआत में ही आ चुकी थी। गुलशन, जिस तरह से हमने देखा कि जो नेता लोग पहले भी आए हैं या बड़ी तादाद में लोग आए हैं वो कहीं ना कहीं बिना हेलमेट के पहुंचे हैं। अमित शाह हेलीपैड से लेकर रैली स्थल तक पहुंचे हैं, क्या हेलमेट अमित शाह ने पहना हुआ था? देखिए बिल्कुल, हेलीपैड तक अमित शाह जो है पहुंचे हैं और उसके बाद मोटरसाइकिल से ही मंच पर पहुंचेंगे। हालांकि हम मंच पर पहुंच गए हैं क्योंकि हम इस समय बाहर मौजूद हैं, तो अंदर जो है भारत माता की जय इस तरह के नारे जो है लग रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ तक जो है उसकी गूंज सुनाई दे रही है, तो जरूर जो है अंदर अब मंच पर पहुंच गए हैं। देखिए रैली स्थल के आसपास की बात की जाए तो किसी भी तरह की कोई तनाव की स्थिति यहाँ पर देखने को नहीं मिली, ना ही किसी ने यहाँ विरोध किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर SSB के जवान जो है यहाँ पर सुबह से ही तैनात हैं। हालांकि हमने इनसे भी बात की थी कि 3 दिन पहले से ही यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल के जवान जो है यहाँ पर तैनात किए गए थे, क्योंकि जिस समय यशपाल मलिक जो कि जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने धमकी दी थी कि हम जो है अमित शाह के बिल्कुल समानांतर एक रैली जाट समाज की करेंगे, तो उसके बाद 150 कंपनियां जो है हरियाणा सरकार की तरफ से मंगाई गई थी कि